नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमरीन खान भारत से बदला लेने के लिए भारत से आगे निकलने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान मीडिया के माध्यम से एक बड़ी बात सुनने को मिली है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर लागू करने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोग जल्द से जल्द कुत्ते पाले और कुत्तों को वो चाइना को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना के लोग कुत्तों को खाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की चलाने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने डॉगों को बांधना शुरू कर दिया है। वहां पे कई जगह पाकिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी नागरिक चार चार कुत्तों के साथ देखा गया। पाकिस्तान के गली के कुत्ते भी जो है, काफी हद तक पाकिस्तान के गली कुत्तों को भी तगड़ा मोटा किए जाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के मौला की वीडियो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुत्तों से अमीर बन सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान कुत्तों से अमीर बनेगा। पाकिस्तान की महिलाएं कुत्तों के टोल के साथ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब कुत्ते बेच के अमीर बनने वाला है, यानी हम डॉग बेच के अमीर बनने वाला है। साथ में आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज भी दिया है कि पाकिस्तान कुत्ते बेच के भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में काफी पीछे छोड़ देगा। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान यूएन के अंदर भारत के खिलाफ कंप्लेन भी कर चुका है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुत्ते के साथ नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि देश कुत्ता बन के रह गया है या कुत्तों के बिजनेस से आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि कुत्ता देश के पास कुत्तों के बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं पब्लिक टुडे न्यूज़ स्वागत आपसे गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबर, बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।